जय उत्तराखंड, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड राज्य के जो लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगुड़ा जी ने घोषणा की, उसके पहले क्या हुआ, वो उसकी लाइजनिंग कैसे हुई, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप जो आप सब्सक्राइब हाउस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं जारी करूं उसकी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और इन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, परंतु वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि जो ये ज्ञान है, जो इसका जानकारी है, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे। और जो हमारे ये उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास है, उत्तराखंड की संघर्षों का जो एक कहानी है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और ये हम सबका जिम्मेदारी भी है। उत्तराखंड आंदोलन का जब एक अग्रेसिव आंदोलन का मूवमेंट चला 2 अक्टूबर में हमारे साथ मुजफ्फरनगर, रामपुर, तेरहा और लाल किले में दमन हुआ और उसे कुचलने की साजिश हुई, वो मैंने पिछले वीडियो में जारी किया था, उसका लिंक मैं इसमें आपको दे दूंगा। तो उसके बाद इस आंदोलन को उभारने के लिए प्रयास हम लोगों ने हुए, और उसके तहत लाइजनिंग हुई। गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के जितने भी सांसद देश भर में थे, सबको मिला गया और संसद के अंदर एक माहौल बनाया गया उत्तराखंड राज्य के पक्ष में, क्योंकि उत्तराखंड क्राइम दल ने लगातार आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को में दम भरने के लिए, आंदोलन में तेजी लाने के लिए चुनाव का बहिष्कार किया, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दिया, और भाजपा और कांग्रेस दोनों पूरी शिद्दत से चुनाव में कूदे। और इससे लग गया कि इनमें कहीं ईमानदारी राज्य के प्रति है नहीं। उत्तराखंड क्राइम दल फिर ने भाजपा और कांग्रेस के अलावा गैर भाजपा कांग्रेस लोगों का एक को लामबद्ध किया और संसद में माहौल बनाया। और इसी कड़ी में जो हरिद्वार से सांसद थे शास्त्री जी, उनको मिलने के लिए हमारे तत्कालीन महामंत्री, केंद्रीय महामंत्री श्री हरदत्त बहुगुणा जी ने हमसे कहा। मैं उस समय दिल्ली प्रदेश का खुद उपाध्यक्ष था, मोहन सिंह नेगी जी के अध्यक्ष, वो अध्यक्ष थे उस समय दिल्ली के, और देव सिंह बिष्ट उत्तराखंड क्राइम दल के युवा अध्यक्ष थे। तो देव सिंह बिष्ट और मेरे को उनका फोन आया बहुगुणा जी का, कि आप लोधी स्टेट में जाकर शास्त्री जी से मुलाकात करो और एक मीटिंग कराओ भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, क्योंकि वे जनता दल से बिलोंग करते थे और उत्तराखंड के हिमायती थे। तो हम वो शास्त्री जी के पास मिले, शास्त्री जी के साथ जो मुलाकात हुई वो उत्साहवर्धक थी, और उन्होंने हमको वादा किया कि वो इसमें हमारा योगदान करेंगे, सहयोग करेंगे। और उन्होंने जाके भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो उसमें थे, अब नहीं है, स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह जी, उनसे बात की, और 14 अगस्त 1996 को उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जो उस समय काम कर रही थी, उसके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हमने 14 अगस्त को उनके साथ कराई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने, उनके कहने पर देवगौड़ा जी ने जो घोषणा 15 अगस्त 1996 को की कि उत्तराखंड राज्य को हम बनाएंगे, तो ये उस मीटिंग का फल था जो हमारे एक प्रयास थे। और उसकी परिणति ये हुई कि जो अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, उसको जो लाल किले में प्रधानमंत्री की घोषणा होती है वो पत्थर की लकीर होती है, वो अगली सरकारों को मानना पड़ता है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य बनाना पड़ा। ये उत्तराखंड राज्य की वो जानकारी है जो देवगौड़ा जी ने लाल किले से के प्राचीर से घोषणा की। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने की, हम लोगों ने कैसे ये राज्य बनवाया। भाजपा और कांग्रेस के विरोधी के पक्ष में खड़े होने के बावजूद उत्तराखंड क्रांति दल ने, जबकि उसका एक भी प्रतिनिधि संसद में नहीं था,
फिर भी उत्तराखंड राज्य की घोषणा कराई। ये दम उत्तराखंड क्रांतिकारी ही रखता है और उसने सारी क्षेत्रवादी की ताकतों को इकट्ठा किया संसद के अंदर। तो उत्तराखंड जब तक हमें क्षेत्रवाद नहीं होगा तो दूसरे क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के क्षेत्रीय जज्बाजों के कुछ का स्वागत करते हुए का सम्मान करते हुए बाकी क्षेत्रीय संगठनों ने हमें दिल्ली के संसद के अंदर भी समर्थन दिया और राज्य बना हमारा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और इसको अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।